घटना हुई है उसी दिन 3:30 बजे उसने लगभग 2:30, 2-4-5 मिनट आगे उसने अपनी बहू से फ़ोन पे बात की है और अपने बेटे से भी बात की है। वो मुंह से खून फेंक दे रहा और मर जा रहा, तो उसको आप ले जा कर के हॉस्पिटल में नाटक करके फोर्स चारों तरफ लगा के और कि इलाज हम कर रहे हैं और उसको घोषित करा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो। तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया, अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है। मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, हमारे हिंदू भाई जब मृत्यु हो जाती है तो उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है। अब कोई कहे कि हम तो इसको आग में जला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है। और जो घटना हुई है उसी दिन 3:30 बजे उसने लगभग 3:30, 2-4-5 मिनट आगे उसने अपनी बहू से फ़ोन पे बात की है और अपने बेटे से भी बात की। आप उसकी आवाज़ देख लीजिए क्या है, ये नाटक है। और उसी आवाज़ में वो कह भी रहा है कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है बेटा, मैं बैठने उठने लायक भी नहीं रह गया, मुझे बेहोशी आ जा रही है। कुछ देर बेहोश हो जाता था, फिर होश में आता था और उसको नाटक माना जा रहा है। जब वो मुंह से खून फेंक दे रहा और मर जा रहा, तो उसको आप ले जा करके हॉस्पिटल में नाटक करके फोर्स चारों तरफ लगा के और कि इलाज हम कर रहे हैं और उसको घोषित करा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया। कितनी निर्दय होकर के इन लोगों ने उस व्यक्ति को, वो हट्टा खट्टा गुड पर्सनालिटी का आदमी है, मुझसे 10 साल छोटा है, मैं उसका 10 साल बड़ा हूँ, मेरे सामने किसी को अगर ये नियमानुसार लग रहा है तो लगे। आम जनता तो इसे मान रही है कि बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई। इसका राजनीतिक लाभ भी, अब अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको, तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया, अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है। और मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, हमारे हिंदू भाई जब मृत्यु हो जाती है तो उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है। अब कोई कहे कि हम तो इसको आग में जला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है। और क्या, ये तो एक प्रक्रिया और परंपरा है, धार्मिक रीति रिवाज है। आप लीगल बैटल में जा रहे हैं? जाएंगे भैया, हम अपने लीगल टीम से मशवरा करेंगे। अभी तो हम लोग इस हालत में ही नहीं, मरमाहत है, पूरा परिवार है, न पिया है, न कहीं नहाया है, न धोया है, न शौच हो चुके हैं, कोई लाश आ रही, खबर तो उसी दिन आ गई ना कि मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।